डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट न्यू यूनिट यूनिट फाइव कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग को सभी को पता होगा कि क्या स्ट्रक्चर है फिर उसके बाद में हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ सब्सटिटेंट्स ऑन एसिडिटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं सब्सिट्यूशन करते हैं तब उसकी एसिडिटी के ऊपर जैसे अगर हम लोग कार्बोक्सलिक ग्रुप के ऊपर कोई सब्सिट्यूशन करते हैं तो उसकी एसीडिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है ये हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सलिक एसिड क्या क्या क्वालिटीटिव टेस्ट होते हैं क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव में डिफरेंस आपको पता है क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी चेक करना कि वो उसकी क्वालिटी क्या है एसिडिक कितना है उसका पीएच कितना है हम लोग ये देखेंगे और वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो हम देखेंगे दैन फिर अमाइड एंड एस्टर के बारे में दैन आप लोगों को उसके बाद पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड इसके हमें सिर्फ स्ट्रक्चर और यूजेस देखने हैं लैक्टिक एसिड का टार्टरिक एसिड आप लोग बताएंगे टार्टरिक एसिड हम लोग कहाँ उसका एग्जाम्पल बताएंगे और सिट्रिक एसिड का एग्ज़ाम्पल बताएंगे कि हम लोग डेली यूज़ में क्या कौन से इसमें सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड यूज होता है देन फे सक्सेनिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड बेंजोइक एसिड बैंज बेंजोएट, डाई मिथाइल थैलेट मिथाइल सैलीसिलेट एंड एसीटाइल सैलिसलिक एसिड इसके बारे में हम लोग इसके स्ट्रक्चर और यूजेस देखेंगे दैन फिर हम लोग देखेंगे एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं इसकी बेसिसिटी ठीक है अमीन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते वो क्या होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं अगर हम उसके ऊपर कोई सब्सिट्यूशन करते हैं तो उसकी बेसिटिटी बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे देन फिर हम इसका भी क्वालिटेटिव टेस्ट देखेंगे स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ इथेनोलामाइन एम्फेटामाइन इथाइलिन डेमिन इसके बाद स्ट्रक्चर और यूजेस हम लोग देखेंगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड स पता है आप लोगों को ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखे थे क्या क्या होते हैं और ये क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इसका फार्मूला क्या है सी O एच सी O एच क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच अ कार्बोक्सिल ग्रुप रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आइदर बी एलिफेटिक और एरोमेटिक ये एलिफेटिक भी हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है बेस्ट ऑन द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन द कार्बोक्सिलिक एसिड में बी मोनोडाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकते हैं मोनो भी हो सकते हैं डाई भी हो सकते हैं ट्राई भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रुप आर अटेस्ड किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटेस्ड है मतलब जैसे यहाँ पर आपके सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे इसका नाम क्या है प्रोपियोनिक एसिड यहाँ पे दो है तो हम इसे डाई बोलेंगे यहाँ पे दो से ज्यादा रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ट्राई ठीक है तीन रहेंगे तो हम उसे ट्राई बोलेंगे और ये क्या है आपका ये क्या है ये सब एलिफैटिक है ये दोनों और ये क्या है आपका एरोमेटिक है तो ये क्या है आपका टैलिक एसिड पर है क्या है? ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है बट ये कहाँ है ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर है और ये क्या है आपका एलिफेटिक है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देख लेते हैं द कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन अ कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं इसमें कार्बोक्सिल सी ओ सी ओ ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप ठीक है और ओ एच ग्रुप हाइड्रोक्सिल दो ग्रुप मिलकर क्या बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड मैग हाइली हाईली पोलर पोलर बनाता है जो इसे दे कैन बाइंड टू अदर पोलर मोलिक्यूल्स वाइ हाइड्रोजन बॉन्ड और किसके थ्रू बाइंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड होते हैं नाउ अब हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड एंड द वैल्यू ऑफ के ए फॉर मोस्ट ऑफ द अनसब्स्टिट्रेटेड एलिफेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर लाइंग विद द रेंज ऑफ़ टेन दावर माइनस फोर टू टेन द पावर माइनस फाइव उसका पी के आई कितना होता है फ़ोर टू फाइव ठीक है ये क्या है वीक एसिड नेचर के होते हैं ठीक है इसका पी के आई कितना होता है फ़ोर टू फाइव होता है नाउ यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और उनकी एसिडिटी यहाँ पर दी हुई है Okay, thank you.